हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर। तो गाइज, आज की एक्टिविटी है जो हमारी मुझे क्या सीखना है और क्यों सीखना है। तो इस एक्टिविटी को हम करेंगे, किस तरह से हमने इसको करना है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले की वीडियो में हमने स्वयं का मजेदार वर्णन करते हुए अपने गुण और क्षमताओं को पहचानने का एक मौका मिला था। उसके बाद चिंतन द्वारा हमने जाना कि EMC को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में क्या अलग है, क्या अंतर है। साथ ही यह भी जाना कि उसमें फैसिलिटेटर का क्या रोल है और विद्यार्थियों की भागीदारी क्यों आवश्यक है। अब हम चिंतन और चर्चा द्वारा जानेंगे कि EMC में क्या सीखना है और क्यों सीखना है। तो इससे क्या होगा, इस एक्टिविटी से क्या फायदा होगा, इससे बच्चे भविष्य में सफल होने के लिए EMC के महत्व को जान पाएंगे और EMC की मुख्य क्षमताओं के बारे में जान पाएंगे और गतिविधियों और चिंतन में अपनी भागीदारी के महत्व को भी समझ पाएंगे। तो इसमें फैसिलिटेटर का क्या रोल है, एज ए टीचर फैसिलिटेटर ने क्या करना है। विद्यार्थी कोई भी मनपसंद करियर चुन सकते हैं, चुने हुए करियर में वो नौकरी कर सकते हैं या अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ सकते हैं या खुद का कुछ नया उद्यम कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आश्वस्त करें, यानी कि विश्वास दिलाएं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उनके प्रत्येक उत्तर को सराहने की कोशिश करनी है, उनको अप्रिशिएट करना है जो भी वो आंसर दें। गुण और क्षमताओं के अलावा यदि कोई विद्यार्थी डिग्री या इन्वेस्टमेंट आदि की बात करता है तो उन्हें बोर्ड के किनारे पर लिख दें, उन्हें याद दिलाएं कि फिलहाल हम एक गुण और क्षमताओं की बात कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी को कैसे करना है, विद्यार्थियों से अपने मनपसंद करियर के बारे में कल्पना करने को कहना है फैसिलिटेटर ने, टीचर ने। अब अपनी कल्पना अनुसार उन्हें अपना चित्र बनाने को कहना है। चित्र में वे खुद को अपना मनपसंद या पसंदीदा काम करते हुए या उससे जुड़ी और गतिविधियां करते हुए दर्शा सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें भविष्य में सफल होने के लिए किन किन जरूरी गुण और क्षमताओं का विकास करना होगा। विद्यार्थियों को कुछ क्षमताओं के उदाहरण दें, जैसे आत्मविश्वास से बात करना, रचनात्मक होना, अवलोकन करना, दूसरों को समझना आदि। नीचे दिए हुए माइंड मैप को बोर्ड पर बनाकर प्रत्येक विद्यार्थी को अपना पसंदीदा करियर और उससे जुड़ी एक क्षमता या गुण बताने को कहना है। इन्हें आप मैप में लिखते जाएं। यदि कोई क्षमता या गुण दोबारा आता है तो उस पर एक और टिक का निशान लगा दें। कैसे बनाना है ये माइंड मैप अब देखते हैं। एक माइंड मैप बनाना है बोर्ड पे, उस पे लिखना है अपना पसंदीदा करियर। इस तरह से बच्चे ने अपना मनपसंद का करियर के बारे में एक फॉर्मेट बनाना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले संघर्ष है, स्ट्रगलिंग है, उसके बाद गुण और क्षमताएं हैं, उसके बाद सक्सेसफुल है। तो इस तरह से माइंड मैप बनाकर इसमें अपने गुण और क्षमताओं के बारे में बताना है। तो बोर्ड पर अधिकांश आवश्यक गुण और क्षमताएं लिखे जाने के बाद विद्यार्थियों को बताएं कि EMC क्लास में भी ये सभी गुण और क्षमताएं हम विकसित करने वाले हैं। आमतौर पर ये गुण और क्षमताएं एक एंटरप्रेन्योर की सोच में पाए जाते हैं, इसलिए इसे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कहते हैं। अब चिंतन और चर्चा करनी है इसके ऊपर। इस गतिविधि से अपने भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या आपको अपने बारे में कोई नई जानकारी मिली है? कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक खुद के भविष्य के बारे में सोचने के क्या फायदे हो सकते हैं? साथियों के साथ गतिविधियां और चर्चा करना किस तरह से उद्यमशील क्षमताएं सीखने में मदद कर सकता है? सीखे साथियों के साथ इसमें क्या करना है, सभी विद्यार्थियों को कक्षा में अपने साथियों के साथ अपना चित्र साझा करने के लिए आमंत्रित करना है, इनवाइट करना है। साझा कैसे करना है, कक्षा 9 से सभी विद्यार्थियों के जीवन में एक नया पड़ाव शुरू हो जाता है जब वे अपने करियर के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करते हैं। यह दौर बहुत संवेदनशील भी होता है क्योंकि हमारे सामने कई सारे विकल्प और अपेक्षाएं होती हैं। इन सब के बीच में सही निर्णय ले पाना आसान नहीं होता। EMC एक दिशा में एक प्रयास है जो विद्यार्थियों को भविष्य के लिए उपलब्ध विकल्पों से परिचित कराएगा और उनके लिए जरूरी क्षमताओं के विकास में भी मदद करेगा। यही बातें EMC को अपने आप में एक अनूठा प्रयास बनाती है। अब इस यूनिट का निष्कर्ष क्या है, चिंतन और चर्चा करनी है। विद्यार्थियों के 5-6 समूह बनाएं और प्रत्येक समूह को निम्न में से एक प्रश्न दें। यदि प्रश्न की तुलना में समूह ज्यादा हो तो एक प्रश्न एक से अधिक समूह को भी दे सकते हैं। जैसे 4 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। पहला क्या है, EMC के उद्देश्यों के बारे में आपको क्या समझ आया, इसके आंसर बच्चे देंगे। ये क्वेश्चन आपने बच्चों को देना है, एक ग्रुप में देना है और इसका आंसर बच्चे देंगे। दूसरा क्वेश्चन दूसरे ग्रुप के लिए है, EMC क्लास के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है या क्या अच्छा लगा, इसका आंसर बच्चे देंगे। तीसरे ग्रुप में आपने देना है, आपने 3 अलग तरह की गतिविधियां की हैं, इन सब में क्या समानता और क्या अंतर है।
अगले ग्रुप को एक क्वेश्चन देना है। हर गतिविधि के बाद आपने गतिविधि के अनुभव पर चर्चा की, यह करना क्यों जरूरी है? तो इस तरह से विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आंसर देने हैं ग्रुप बनाकर। विद्यार्थियों से अपने समूह में इन प्रश्नों पर चर्चा करके पोस्टर बनाने को भी कहना है। इसके बाद हर समूह को अपनी प्रस्तुति देने के लिए कक्षा के सामने आमंत्रित करना है। आप चाहे तो समूह द्वारा बनाए गए पोस्टर कक्षा में लगा सकते हैं। इसके बाद EMC से संबंधित विद्यार्थियों के और प्रश्न हो सकते हैं, तो उन पर चर्चा करके इस पहली यूनिट को समापन करना है। इसके बाद साझा करना है, क्या 21वीं सदी में जीवन और काम के बदलते संदर्भ को ध्यान में रखकर EMC की रचना की गई है। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो पाएंगे कि आजकल बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे माता पिता जब पढ़ रहे थे तब नहीं होते थे। अब हम टेक्नोलॉजी पर बहुत हद तक निर्भर हैं। एक दूसरे से बात करने से लेकर बाहर से खाना मंगवाने तक बहुत से काम हम अपने मोबाइल से ही कर लेते हैं। आने वाले समय में अनेक और ऐसे बदलाव आएंगे जिनके लिए हमें खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य आपको इस आने वाले समय के लिए तैयार करना है, जिससे कि आप इसमें अपनी जगह बना पाएं और आर्थिक सामाजिक रूप से प्रभावी काम कर पाएं। तो गाइज, इस तरह से आज की एक्टिविटी हमने पढ़ी है, किस तरह से इसको करना है, किस तरह से बच्चों को ये बतानी है, समझानी है, किस तरह से बच्चे एक्टिविटी करेंगे, किस तरह से बच्चे क्वेश्चनों का आंसर देंगे और क्या अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो गाइज, मुझे आशा है कि एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है इन फ्यूचर में। तो गाइज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।